अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर गुड स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो है 1.2। इसमें यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में 100% ए क्वेश्चन आता है। तो इसमें बेटा हम डिस्कस करेंगे डी मॉवर्ट्स थ्योरम। डी मॉवर्ट्स थ्योरम क्या है बेटा? कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर एन। इसको आपने क्या कैसे याद रखना है डी मॉवर्ट्स थ्योरम को? जो पावर है वो एंगल्स के साथ मल्टीप्लाई करनी है। जैसे कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर एन है, तो ये बेटे आ जाएगा कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। यानी जो पावर है वो एंगल के साथ आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई। तो बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी। क्वेश्चन वन का सेकेंड पार्ट, दैट इज माइनस थ्री आयोटा की पावर फोर। ओके बेटा, जो ब्रैकेट में है इसको आप लेट करेंगे जी, z इक्वल्स टू जीरो माइनस थ्री आयोटा। ओके, तो आपने इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके लिए आप r फाइंड करेंगे। r है z का मॉड मीन रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। तो ये बेटा 3 आ गया। इसके बाद थीटा फाइंड करेंगे। थीटा फाइंड करने का फार्मूला, टेंजेंट इनवर्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इमेजिनरी पार्ट डिवाइड्स रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट माइनस थ्री डिवाइड जीरो, दैट इज टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी, दैट इज 90 डिग्रीज मीन पाई ओवर 2। अब सिंस थीटा लाइज इन प्लस माइनस, प्लस माइनस बेटा किस क्वाड्रेंट में है? आपको याद होना चाहिए फर्स्ट में प्लस प्लस, सेकेंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस और प्लस माइनस। इस टाइम प्लस माइनस है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। सिंस थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, देयरफोर अब बेटा आपको याद होना चाहिए फोर क्वाड्रेंट में हम करते हैं 2 पाई माइनस एंगल जो भी है पाई ओवर 2। तो ये एलसीएम लेने के बाद आ जाएगा 3 पाई ओवर 2। अब बेटा 3 पाई ओवर 2 जो है वो इक्वल होता है हमारे पास 270 के। ठीक है, तो 270 मीन ये आउट ऑफ रेंज हो गया, विच इज़ नॉट प्रिंसिपल आर्गूमेंट, विच इज़ नॉट प्रिंसिपल आर्गूमेंट, क्लियर? देयरफोर अब अगर ये आउट ऑफ रेंज आ जाए तो आपने आपके पास जो भी एंगल आया होता है उसमें से आपने 2 पाई को माइनस करना होता है। 1.1 बेटा एक्सरसाइज आपने अच्छी तरह सीखी हुई है। अब इसका एलसीएम लेने के बाद आएगा माइनस पाई ओवर 2। अब आप पोलर फॉर्म लिखेंगे। नाउ जेड इक्वल्स टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर की जगह आप आर की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 3 इंटू कॉस थीटा की जगह आप ये आर्गूमेंट की वैल्यू लिखेंगे, दैट इज माइनस पाई ओवर 2 प्लस आयोटा साइन माइनस पाई ओवर 2 होल पावर। इसकी हम अब नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। हमें पावर चाहिए 4, तो टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड्स, जेड 4 इक्वल्स टू 3 पावर 4 इंटू कॉस माइनस पाई ओवर 2 प्लस आयोटा साइन माइनस पाई ओवर 2 होल पावर 4। और यहाँ पे डी मॉवर्ट्स थ्योरम यूज करने लगूँ, बाय डी मॉवर्ट्स थ्योरम। डी मॉवर्ट्स थ्योरम क्या है? जो पावर है वो बेटा किससे मल्टीप्लाई होगी? एंगल्स के साथ। इधर आ गया कॉस माइनस 4 इंटू माइनस पाई ओवर 2 प्लस आयोटा साइन 4 इंटू माइनस पाई ओवर 2, क्लियर? तो बाहर बेटा 81 और नेक्स्ट ये आ जाएगा कॉस माइनस 2 पाई प्लस आयोटा साइन माइनस 2 पाई। नेक्स्ट स्टेप इसका देखें। अब ये हम ब्रेक करके नहीं, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। ये कॉस के साथ माइनस का साइन बेटा हम नहीं लिखते, माइनस साइन के साथ माइनस बाहर आ जाएगा और साइन 2 पाई। ओके बेटा 81, कॉस 360 की वैल्यू है 1 और साइन 360 की वैल्यू है 0, तो ये आ गया 81 हमारा आंसर है बेटा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। बेटा थर्ड पार्ट हमारे सामने है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम लेट करेंगे z इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइड्स 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। हम इसे रैशनलाइज करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 नीचे वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड, रैशनलाइजेशन। इसके बाद बेटा ऊपर आएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा का स्क्वायर
और डिनोमिनेटर में आएगा फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर. क्लियर? z इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी. ये बड़ा फॉर्मूला यूज किया. डिनोमिनेटर में वन माइनस थ्री आयोटा स्क्वायर. क्लियर? z इज इक्वल टू वन माइनस थ्री माइनस टू स्क्वायर रूट थ्री आयोटा डिवाइड्स वन प्लस थ्री. ओके स्टूडेंट्स, तो वन माइनस थ्री इक्वल्स टू माइनस टू, माइनस टू स्क्वायर रूट थ्री आयोटा डिवाइडेड बाय वन प्लस थ्री, दैट इज इक्वल्स टू फोर. अब फोर को बेटा दोनों के नीचे सेपरेट लिखें तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस वन बाई टू माइनस स्क्वायर रूट थ्री बाई टू आयोटा. ये हमारा बेटा जेड का फाइनल आंसर आया. अब हमने इसको कन्वर्ट करना है इनटू पोलर फॉर्म. उसके लिए आपको आर रिक्वायर्ड है और आर फाइंड करने का फॉर्मूला है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट. ये आएगा वन बाय फोर प्लस थ्री बाय फोर. एलसीएम लेने के बाद आएगा स्क्वायर रूट वन, तो दैट इज वन. फिर हम थीटा फाइंड करेंगे. थीटा फाइंड करने का फॉर्मूला है टेंजेंट इनवर्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वाई ओवर एक्स. तो वाई की वैल्यू आपके पास स्टूडेंट्स है माइनस स्क्वायर रूट थ्री बाय टू ओवर माइनस वन बाय टू. टू टू के साथ कैंसल. टेन इनवर्स स्क्वायर रूट थ्री विच इज 60 डिग्रीज. 60 मीन पाई ओवर थ्री. क्लियर? ओके. अब ये फाइंड करने के बाद आपने साइन चेक करना है कि थीटा हमारा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है. तो माइनस माइनस किस क्वाड्रेंट में आता है बेटा? थर्ड क्वाड्रेंट में. तो आप यहाँ पे लिखें सिंस थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट में आप क्या करते हैं आर्गुमेंट के लिए? पाई प्लस पाई ओवर थ्री, जो भी एंगल है. तो ये आएगा 4 पाई ओवर 3. अब हम चेक करेंगे क्या ये हमारा रेंज में आता है. आर्गुमेंट की रेंज होनी चाहिए माइनस 180 टू प्लस 180. तो 4 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 3 विच इज 240 आउट ऑफ द रेंज विच इज नॉट प्रिंसिपल आर्गुमेंट. विच इज नॉट प्रिंसिपल आर्गुमेंट. ओके बेटा, अब हम क्या करेंगे अगर आउट ऑफ रेंज आ जाए तो जो भी एंगल है आर्गुमेंट का उसमें से आपने किसको माइनस करना होता है? 2 पाई को. तो 3 इसका एलसीएम लेंगे 4 पाई माइनस 6 पाई विच इज माइनस 2 पाई ओवर 3. नाउ पोलर फॉर्म विच इज आर इनटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. वैल्यूज पुट करें. आर की वैल्यू बेटा 1 है. कॉस थीटा की जगह आप इस आर्गुमेंट की वैल्यू लिखेंगे माइनस टू पाई ओवर थ्री. माइनस टू पाई ओवर थ्री प्लस आयोटा साइन माइनस टू पाई ओवर थ्री. क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, ये करने के बाद आपने वापस क्वेश्चन पे आना है और पावर लेनी है 6, क्योंकि हमें 6 चाहिए यहाँ पे पावर. तो टेकिंग पावर 6 ऑन बोथ साइड्स, जेड 6 इज इक्वल टू कॉस माइनस टू पाई ओवर थ्री प्लस आयोटा साइन माइनस टू पाई ओवर थ्री की होल पावर बेटा 6. ओके बेटा, तो यहाँ पे बाय डी मॉवर्स थ्योरम यूज करेंगे. बाय डी मॉवर्स थ्योरम, तो डी मॉवर्स थ्योरम हमें क्या कहता है कि आप जो पावर है वो एंगल्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें. माइनस टू पाई ओवर थ्री प्लस आयोटा साइन माइनस टू पाई ओवर थ्री और इसके साथ 6 मल्टीप्लाई करना है आपने. माइनस फोर पाई प्लस आयोटा साइन माइनस फोर पाई. आपके पास आएगा एंगल में कॉस 4 पाई. कॉस के साथ नेगेटिव साइन नहीं लिखते और साइन के साथ बाहर आ जाएगा आयोटा साइन 4 पाई. अब बेटा 4 पाई क्या होता है? 4 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 180, 720. अब कॉस 720 की बेटा वैल्यू है आपके पास 1 और साइन 720 0. तो 1 इज आवर फाइनल आंसर. 1 का फर्स्ट पार्ट माइनस स्क्वायर रूट थ्री प्लस आयोटा की होल पावर हमारे पास है 2. तो जो बेटा ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है उसे आप लेट करेंगे जी. जी इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट थ्री प्लस आयोटा. ओके बेटा, तो आपने सबसे पहले इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है. पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं. एक आर. आर आ गया बेटा जेड का मॉड मीन रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर.
ओके स्टूडेंट्स, तो ये आएगा हमारे पास 3 + 1 = 4, 4 का आ जाएगा 2। फिर आप फाइंड करेंगे थीटा, और थीटा फाइंड करने का फॉर्मूला है टैन इनवर्स वाई डिवाइड्स एक्स। वाई आपके पास 1 है यहाँ पे, टेंजेंट इनवर्स 1, यहाँ पे आप एब्सोल्यूट वैल्यू ले ले, 1 डिवाइड्स माइनस स्क्वायर रूट 3, तो ये आपके पास आ जाएगा टैन इनवर्स 1 बाय स्क्वायर रूट 3, दैट इज इक्वल्स टू 30 डिग्रीज, और 30 को आप लिखते हो पाई ओवर 6। माइनस प्लस किस क्वाड्रेंट में आता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आप यहाँ लिखें सिंस थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड, सेकंड क्वाड में लाई करता है, देयरफॉर आर्ग्यूमेंट ऑफ जी, सेकंड क्वाड में आप करते हो पाई माइनस थीटा, थीटा आपके पास पाई बाय 6 है, विच इज 5 पाई ओवर 6। अब ये बेटा आर्गुमेंट फाइंड करने के बाद इसकी रेंज को आपने चेक करना है, इसकी रेंज आनी चाहिए 180 तक। तो अगर आप चेक करें 5 × 180 / 6 तो ये आएगा 150, मीन ये रेंज में आ रहा है, तो ये हमारा आर्गुमेंट आ गया। अब इसके बाद आपने पोलर फॉर्म लिखनी है, नाउ z इज इक्वल टू r इंटू cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, ये पोलर फॉर्म है। अब आप इसमें वैल्यूज पुट करें बेटा, r की जगह आप लिखेंगे 2 इंटू cos थीटा, थीटा ये जो आपका आर्गुमेंट ऑफ z आया हुआ है, 5 पाई ओवर 6 प्लस आयोटा sin 5 पाई ओवर 6। ओके बेटा, ये हमारे पास z आ गया, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, z स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर बेटा, और साथ cos 5 पाई ओवर 6 प्लस आयोटा sin 5 पाई ओवर 6 की पावर 2। अब यहाँ पे आप बाय डी मॉवर्स थ्योरम यूज़ करेंगे, बाय डी मॉवर्स थ्योरम, इधर आ गया बेटा 4, इधर आप डी मॉवर्स थ्योरम हमें क्या बताता है कि जो पावर है वो एंगल के साथ क्या होगी, मल्टीप्लाई। तो ये 2 इंटू 5 पाई ओवर 6 प्लस आयोटा sin 2 × 5 पाई ओवर 6। ओके बेटा, 4 इंटू ये हमारे पास ये कैंसिल होके 3 आ गया, cos 5 पाई ओवर 3 प्लस आयोटा sin 5 पाई ओवर 3। ओके बेटा, तो अब आप इसकी वैल्यूज लेंगे, फाइंड करेंगे, 5 पाई ओवर 3 इक्वल है बेटा 300, cos 300 की वैल्यू है हमारे पास 1/2, और sin 300 की वैल्यू बेटा हमारे पास आएगी माइनस स्क्वायर रूट 3/2। ओके बेटा, तो ये हमारे पास आया 2, इसका एलसीएम ले लें, ऊपर आ गया 1 − √3 iota, 2 × 2 = 4। अब 2 × 1 − √3 iota इज आवर फाइनल आंसर। ओके बेटा, हमने क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है, मीन क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट जो है, इसको आपने सिम्प्लीफिकेशन करके लिखना है, तो आप इस पे डी मॉवर्स थ्योरम का यूज़ करेंगे। आप सबसे पहले डी मॉवर्स थ्योरम के लिए ये जो नेगेटिव साइन है दो वैल्यूज़ में, इसको आपने पॉजिटिव करना है, देन इस पे डी मॉवर्स थ्योरम को अप्लाई करना है। तो जो पॉजिटिव वैल्यू है बेटा उसको एज इट इज़ छोड़ दें आप, साइन 2 θ होल पावर इसकी 5, और इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये जो माइनस साइन है ये कॉस एंगल के साथ भी लिख लें, और इधर प्लस करके इसको साइन एंगल के साथ भी लिख लें, -3 θ, और होल पावर बेटा इसकी है 6। डिवाइड में अगर आप देखें तो ये आएगा कॉस -4 θ प्लस आयोटा साइन -4 θ होल पावर बेटा इसकी है 7। इसके बाद कॉस 5 θ प्लस आयोटा साइन 5 θ की होल पावर 8। अब आप इसको इस तरह से लिखेंगे बाय डी मॉवर्स थ्योरम, लिखने के बाद आप इसको बेटा ऐसे लिखेंगे कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 2 और होल पावर इसकी बेटा है 5। क्लियर, मीन डी मॉवर्स थ्योरम रिवर्स किया, पहले आप पावर को मल्टीप्लाई करते थे एंगल के साथ, अब एंगल में से जो 2 है सेम उसको आप पावर में कन्वर्ट किया। क्लियर, इसमें भी आप लिखेंगे कॉस -θ, या आप थीटा लिख दें, और प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर -3। ठीक है, ये जो -3 है ये पावर में ले गया डी मॉवर्स थ्योरम की हेल्प से,
होल पावर 6 एज इट इज़, और डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो ये भी आएगा बेटा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर माइनस 4 7। फिर इसी तरह से कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर 5 और फिर इसकी होल पावर 8। क्लियर, बाय डीमोवर्स थ्योरम यूज़ किया। अब बेटा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 2 5 10, इधर आएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, आयोटा साइन थीटा की पावर आएगी बेटा माइनस 18, और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर आ जाएगी बेटा 728 माइनस, और फिर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर आ जाएगी बेटा 40। क्लियर, अब ये तमाम वैल्यूज़ बेटा एक जैसी हैं, आप इन तमाम वैल्यूज़ की पावर को आपस में ऐड कर दें तो ये आएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर बेटा आएगी 10 प्लस 18। ये नीचे 28 नेगेटिव है, ऊपर जाके बेटा ये पॉजिटिव साइन हो गया, और 40 नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जब इमर्ज करेंगे तो ये माइनस 40 आ जाएगा। तो बेटा जी ये आएगा आपके पास कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर, यहाँ पे है माइनस 18, तो अब हम इसको प्लस माइनस करते हैं, देखते हैं बेटा 10 माइनस 18 प्लस 28 माइनस 40, विच इज़ इक्वल्स टू -20। क्लियर, अब दोबारा से बाय डी मॉवर्स थ्योरम यूज़ करेंगे, अगेन बाय डी टी। ओके बेटा, तो ये पावर को एंगल्स के साथ दोबारा मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ गया कॉस माइनस 20 थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस 20 थीटा। ओके, आप इसको इस तरह से लिखेंगे CIS माइनस 20 थीटा। ओके बेटा, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट का, कॉस अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा की पावर बेटा 11, और ये नीचे वाली पावर आप ऊपर शिफ्ट करें, कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा की पावर माइनस 9। ओके बेटा, अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, कॉस ये जो माइनस है ये एंगल के साथ शिफ्ट करें, माइनस और इधर प्लस आ जाएगा, साइन माइनस अल्फा की होल पावर बेटा 11, और इधर ये एज इट इज़ कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा होल पावर माइनस 9। बाय डी मॉवर्स थ्योरम यूज़ करेंगे बेटा, पावर जो है वो एंगल्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, कॉस माइनस 11 अल्फा प्लस आयोटा साइन माइनस 11 अल्फा इंटू कॉस माइनस 9 बीटा प्लस आयोटा साइन माइनस 9 बीटा। ओके बेटा, तो आपने इनके जस्ट एंगल्स को ऐड करना है, तो यहाँ पे आएगा कॉस माइनस 11 अल्फा माइनस 9 बीटा आयोटा एज इट इज, साइन माइनस 11 अल्फा माइनस 9 बीटा। कंप्लीट मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा का फॉर्मूला बनेगा, जो आपने क्लोज करके लिखना है, तो आप डायरेक्ट इस तरह भी लिख सकते हैं। अब बेटा इनमें आप कॉमन ले लें, माइनस कॉमन आ जाएगा, अंदर आ गया हमारे पास 11 अल्फा प्लस 9 बीटा, इसमें से भी आप माइनस कॉमन लें एंगल में से, तो अंदर आ गया 11 अल्फा प्लस 9 बीटा। अब डायरेक्ट इसको CIS की फॉर्म में लिख लें, CIS माइनस 11 अल्फा प्लस 9 बीटा, ये बेटा हमारा आंसर है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट। ओके बेटा, थर्ड पार्ट है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। सबसे पहले आप इन दो आयलर फॉर्म जो मल्टीप्लाई हो रही हैं बेटा, इनको हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, मीन इनके एंगल को ऐड करेंगे, कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा। डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो कॉस गैमा प्लस डेल्टा प्लस आयोटा साइन गैमा प्लस डेल्टा। क्लियर, अब आप इसको इस तरह से लिखें, कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा एज इट इज़, और नीचे वाली वैल्यू को आप ऊपर शिफ्ट करें तो ये आएगा कॉस गैमा प्लस डेल्टा प्लस आयोटा साइन गैमा प्लस डेल्टा की होल पावर इनवर्स। अब यहाँ पे आप बाय डी मॉवर्स थ्योरम यूज़ करें, बाय डी मॉवर्स थ्योरम। अब डी मॉवर्स थ्योरम बेटा क्या है कि एंगल को आपने पावर को एंगल के साथ मल्टीप्लाई करना है,
कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा इनटू ये पावर जो है ये एंगल से मल्टीप्लाई होगी, तो इसका साइन बेटा चेंज कर दें, माइनस गैमा माइनस डेल्टा प्लस आयोटा साइन माइनस गैमा माइनस डेल्टा। फिर से ये दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हैं, इनके जस्ट एंगल्स को ऐड करें, अल्फा प्लस बीटा माइनस गैमा माइनस डेल्टा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस गैमा माइनस डेल्टा। तो आप फाइनली इसको लिखेंगे CIS अल्फा प्लस बीटा माइनस गैमा माइनस डेल्टा, हमारा इस पार्ट का आंसर है। लास्ट पार्ट बेटा इसका फोर्थ पार्ट, बेटा फोर्थ पार्ट हमारे सामने है, इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 3 पावर हमारे पास है 4 पावर 5, डिनोमिनेटर में पावर 5 है बेटा, और आप इसको CIS को आप ओपन करके लिखें, कॉस पाई ओवर 6 प्लस आयोटा साइन पाई ओवर 6 की होल पावर हमारे पास है 7, डिनोमिनेटर में अगर देखें तो कॉस पाई ओवर 3 प्लस आयोटा साइन पाई ओवर 3 की होल पावर है हमारे पास 5। अब आप इसको इस तरह से लिखें, 3 पावर 7 डिवाइड्स 4 पावर 5 कॉस पाई ओवर 6 प्लस आयोटा साइन पाई ओवर 6 होल पावर 7 एज इट इज़। ये डिनोमिनेटर की पावर बेटा ऊपर आप शिफ्ट करें तो इसका पावर का साइन चेंज हो जाएगा, कॉस पाई ओवर 3 प्लस आयोटा साइन पाई ओवर 3 की होल पावर माइनस 5। इसके बाद बेटा 3 पावर 7 ओवर 4 पावर 5, यहाँ पे आप बाय डी मॉवर्स थ्योरम यूज़ करें, डी मॉवर्स थ्योरम पावर को आपने एंगल्स के साथ क्या करना है मल्टीप्लाई, कॉस 7 पाई ओवर 6 प्लस आयोटा साइन 7 पाई ओवर 6, इधर भी डी मॉवर्स थ्योरम यूज़ करें, कॉस माइनस 5 पाई ओवर 6 प्लस आयोटा साइन माइनस 5 पाई ओवर 6। तो डी मॉवर्स थ्योरम की हेल्प से हमने जो पावर है उसको एंगल्स के साथ मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट स्टेप बेटा इसका देखें, 3 पावर 7 ओवर 4 पावर 5 एज इट इज़। अब ये दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनके जस्ट एंगल्स ऐड करें, कॉस 7 पाई ओवर 6 माइनस 5 पाई ओवर 6, सॉरी इधर 3 था हमारे पास 3 प्लस आयोटा साइन 7 पाई, कॉस में कॉस का एंगल ऐड करें और साइन में साइन का एंगल बेटा ऐड करें, 7 पाई ओवर 6 माइनस 5 पाई ओवर 3। अब आप इसका एलसीएम लेंगे एंगल्स का, 3 पावर 7 ओवर 4 पावर 5 एज इट इज, कॉस इसका एलसीएम लेंगे 6, ऊपर बेटा आ गया 7 पाई माइनस 2 10 पाई प्लस आयोटा साइन, एलसीएम बेटा 6 ऊपर आ गया 7 पाई माइनस 10 पाई, क्लियर। इसके बाद 3 पावर 7 ओवर 4 पावर 5 इनटू कॉस, ये बेटा आएगा हमारे पास माइनस 3 पाई ओवर 6 प्लस आयोटा साइन माइनस 3 पाई ओवर 6, फाइनल बेटा 3 पावर 7 ओवर 4 पावर 5 इनटू ये कैंसिल करके स्टूडेंट्स आएगा आपके पास माइनस पाई ओवर 2 प्लस आयोटा साइन माइनस पाई ओवर 2, क्लियर। अब आप इसको लास्ट फाइनल स्टेप में लिखेंगे, 3 पावर 7 ओवर 4 पावर 5 CIS की फॉर्म में आप लिख लें, पाई ओवर 2 इज आवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा हमारा कंप्लीट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, टेकिंग इट्स लेफ्ट हैंड साइड, 1 प्लस साइन एक्स प्लस आयोटा कॉस एक्स डिवाइड्स 1 प्लस साइन एक्स माइनस आयोटा कॉस एक्स होल पावर बेटा इसकी है n। आपने यहाँ पे फर्स्ट स्टेप इसका याद करना है, 1 की जगह आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल होता है 1 के, तो 1 का फॉर्मूला साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, फर्स्ट स्टेप इसका बेटा न्यूमिरेटर पे ये फॉर्मूला आपने यूज़ किया, और डिनोमिनेटर बेटा एज इट इज़ 1 प्लस साइन एक्स माइनस आयोटा कॉस एक्स होल पावर एन।
ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बाद आपने इस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को आपने इस तरह से लिखना है, साइन एक्स प्लस आयोटा कॉस एक्स इंटू साइन एक्स माइनस आयोटा कॉस एक्स। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, जब आप इसका फॉर्मूला क्लोज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर साइन चेंज करेगा तो वो दोबारा क्या हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, मीन यही आएगा। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की जगह आपने ये वैल्यू यूज़ की, प्लस साइड पे बेटा साइन एक्स प्लस आयोटा कॉस एक्स बेटा एज इट इज। डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वन प्लस साइन एक्स माइनस आयोटा कॉस एक्स बेटा एज इट इज। ओके, अब आपके पास एक ये वैल्यू है बेटा, एक ये वैल्यू है आपके पास, इनमें आप बताएं कॉमन क्या है। इसमें कॉमन है साइन एक्स प्लस आयोटा कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस आयोटा कॉस एक्स कॉमन, और अंदर हमारे पास यहाँ रह गया साइन एक्स माइनस आयोटा कॉस एक्स प्लस, ये कॉमन चला गया, इसकी जगह वन आ गया, और डिनोमिनेटर में वन प्लस साइन एक्स माइनस आयोटा कॉस एक्स होल पावर इसकी n एज इट इज़। अब बेटा ये वैल्यू आपस में कैंसिल, रिमेनिंग वैल्यू है आपके पास साइन x प्लस आयोटा कॉस x होल पावर इसकी n। अब आपने बेटा क्या करना है, इसको कॉस में शिफ्ट करना है और इसको साइन में शिफ्ट करना है, क्योंकि डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करने के लिए पहले कॉस होना चाहिए और आयोटा के साथ क्या होना चाहिए, साइन। इसलिए डी मॉर्गन यूज़ करने के लिए डी मॉर्गन थ्योरम हम इसको कॉस में कन्वर्ट करेंगे और इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इसको कॉस में लिखना हो तो आप इस तरह से लिखेंगे, जैसे राइट साइड पे बेटा लिखा हो इसी तरह आप ये एंगल लिख लें। अगर आप चाहते हैं कि ये वैल्यू आपको आ जाए, ये मैं किस तरह से कन्वर्ट करता हूँ, तो बेटा एक लेक्चर है 10.1 एफएससी फर्स्ट ईयर में, आप वो लेक्चर ज़रूर उसको आप देख लें एक बार, आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो साइन को मैं कॉस में शिफ्ट करना चाह रहा हूँ, तो ये मैं लिखूँगा कॉस पाई ओवर टू माइनस एक्स, और इसको साइन करना है तो आप एंगल में लिख लेंगे पाई ओवर टू माइनस एक्स, और जो होल पावर है बेटा वो है हमारे पास एन। अब आप डी मॉर्गन थ्योरम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, बाय डी मॉर्गन थ्योरम पावर जो है वो एंगल से मल्टीप्लाई हो जाएगी और यही बेटा हमारा राइट साइड आंसर आ जाएगा, एन इंटू पाई ओवर टू माइनस एक्स इज़ आवर फाइनल आंसर इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर हमारे सामने है, टू कॉस थीटा इक्वल है एक्स प्लस वन बाई एक्स, टू कॉस फाई इक्वल है वाई प्लस वन बाई वाई, और टू कॉस साई इक्वल है जेड प्लस वन बाई जेड। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटा, मैं इस वैल्यू को लेने लगा हूँ, टू कॉस थीटा इक्वल है एक्स प्लस वन बाई एक्स, इसको थोड़ा सा सिम्प्लीफिकेशन करते हैं इसकी, कॉस थीटा इसका बेटा एलसीएम आएगा एक्स, तो ऊपर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वन, क्लियर। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा टू कॉस थीटा साथ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। इसके बाद जो स्टेप है वो इस वैल्यू को इधर ले आएँ और वन को बेटा आप लेफ्ट साइड पे ले जाएं, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू कॉस थीटा एक्स इक्वल टू माइनस वन, टू कॉस थीटा एक्स राइट साइड पे और वन लेफ्ट साइड पे, इसको लिख मैंने पहले दिया है। अब बेटा फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए आप क्या करेंगे, एडिंग करेंगे बोथ साइड्स बाय कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि टू ए बी, ए तो आपके पास है बी कॉस है, तो कॉस स्क्वायर से आपने ऐड करना है दोनों तरफ, क्लियर। अब ये फॉर्मूला कंप्लीट है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, फॉर्मूला क्लोज करें, एक्स माइनस कॉस थीटा का बेटा होल स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों में से माइनस कॉमन लें, अंदर आ गया वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो एक्स माइनस कॉस थीटा का बेटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ बेटा स्क्वायर रूट लें, माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर रूट, ये कैंसिल, तो x माइनस कॉस थीटा इक्वल आ जाएगा हमारे पास, आप जब इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे नेगेटिव का, तो ये आ जाएगा आपके पास आयोटा साइन थीटा, क्लियर, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर जो नेगेटिव साइन है वो आयोटा में शिफ्ट होगा। अब बेटा आप x कॉस को राइट साइड पे शिफ्ट करें तो x इक्वल आ जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से।
एक वैल्यू आप शो कर दें, इसी तरह बाकी दो वाई की और जेड की वैल्यू सिमिलरली लिख लें। अब आप लिखें सिमिलरली वाई इक्वल है कॉस फाई प्लस आयोटा साइन फाई और जी इक्वल है हमारे पास बेटा कॉस साई प्लस आयोटा साइन साई। क्लियर? अब बेटा ये मैंने वैल्यूज पहले बनाई, जो वैल्यूज इंफॉर्मेशन गिवन थी। अब मैं प्रूफ की तरफ आऊंगा। हमने फर्स्ट प्रूफ में करना है को टू कॉस थीटा प्लस फाइव प्लस आई इक्वल है, इसकी मैं राइट साइड बेटा टेक करूंगा। नाउ इसका फर्स्ट पार्ट और इसमें राइट हैंड साइड टेक करें। राइट हैंड साइड बेटा हमारे पास है एक्स वाई जी प्लस वन ओवर एक्स वाई जी। इसका मतलब एक्स वाई जी को आपने तीनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो एक्स वाई जी मीन एक्स का आंसर ये है, वाई का आंसर बेटा ये है और जी का आंसर ये है। तो आप इन आयलर फॉर्म्स को मल्टीप्लाई करना है तो इनके जस्ट एंगल ऐड करना है, कॉस में कॉस का और साइन में साइन का एंगल। तो ये आएगा आपके पास कॉस थीटा प्लस फाई प्लस साई प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस फाई प्लस साई। क्लियर? ये हमारा आ गया एक्स वाई जी। अब आपने फाइंड करना है वन ओवर एक्स वाई जी, मीन इसी को आप वन ओवर कर दो, वन ओवर कॉस थीटा प्लस फाई प्लस साई प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस फाई प्लस साई। अब आप इसकी पावर ऊपर शिफ्ट करें और फिर बाद में डी मॉर्गन थ्योरम यूज करेंगे, थीटा प्लस फाई प्लस साई प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस फाई प्लस साई की होल पावर इनवर्स। अब बाय डी मॉर्गन थ्योरम यूज करें यहाँ पे, डी मॉर्गन थ्योरम। डी मॉर्गन थ्योरम में कॉस के साथ जब माइनस आएगा तो वो लिखा ही नहीं जाता, तो इसका मतलब कॉस का एंगल सेम रहेगा और साइन के साथ जो माइनस है वो इधर इसका साइन चेंज कर देगा, माइनस साइन थीटा प्लस फाई प्लस साई। अब बेटा आप इस वाली इक्वेशन को कह लें इक्वेशन नंबर वन और इसको आप कह लें इक्वेशन नंबर टू। अब आपने इन दोनों को ऐड करना है, चूंकि आपको एडिशन चाहिए यहाँ पे, आपने इनको ऐड करना है। इन दो वैल्यूज को क्या करेंगे, ऐड, ऐड वन एंड टू। बेटा ऐड करने से हमारे पास ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और वन प्लस वन कितना आ जाएगा, टू, यानी कि ऐड करने से आ जाएगा एक्स वाई जी प्लस वन ओवर एक्स वाई जी इज इक्वल टू वन कॉस प्लस वन कॉस टू कॉस थीटा प्लस फाइव प्लस साई। हमारा फर्स्ट प्रूफ बेटा कंप्लीट है। ओके बेटा, सेकंड प्रूफ में हमें चाहिए एक्स और वाई की वैल्यू, मीन एक्स की पावर एम वाई की पावर एन, मीन एक्स की जगह आप इसकी वैल्यू लिखें कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर है बेटा हमारे पास एम, और वाई की जगह वाई की वैल्यू लिखें कॉस फाई प्लस आयोटा साइन फाई की होल पावर आएगी यहाँ पे एन। क्लियर? अब बाय डी मॉर्गन थ्योरम से पावर्स को एंगल्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा कॉस एम थीटा प्लस आयोटा साइन एम थीटा इंटू कॉस एन फाई प्लस आयोटा साइन एन फाई। ओके, अब इनके एंगल्स ऐड करें, कॉस में कॉस का एंगल ऐड करें स्टूडेंट्स और साइन में साइन का एंगल ऐड करेंगे, आयोटा एज इट इज साइन एम थीटा प्लस एन फाई। क्लियर? ये आ गया बेटा एक्स की पावर एम वाई की पावर एन, इसको आप कहेंगे इक्वेशन नंबर वन। इसी तरह इसको वन ओवर करेंगे जैसे लास्ट पार्ट में किया आपने, वन ओवर करने से ये आएगा बेटा कॉस एम थीटा प्लस एन फाई प्लस आयोटा साइन एम थीटा प्लस एन फाई की होल पावर इनवर्स। क्लियर? अब बाय डी मॉर्गन थ्योरम यूज करेंगे और पावर्स को, पावर को एंगल के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो ये आएगा कॉस एम थीटा प्लस एन फाई माइनस आयोटा साइन एम थीटा प्लस एन फाई। क्लियर? इसको आप कहेंगे इक्वेशन नंबर टू। अब फिर से इन दोनों को बेटा आप ऐड करें, ऐड इक्वेशन वन एंड टू, ऐड वन एंड टू। ऐड करने से आएगा बेटा एक्स की पावर एम वाई की पावर एन प्लस वन ओवर एक्स की पावर एम वाई की पावर एन इज इक्वल टू, ऐड करने से बेटा ये वैल्यू कैंसिल, वन प्लस वन कितना आ गया, टू कॉस एम थीटा प्लस एन फाई। प्रूफ्ड।
ओके बेटा, हमारा क्वेश्चन नंबर इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 के कंप्लीट पार्ट्स किए बेटा। नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैं कोशिश करूंगा कि एक्सरसाइज को वाइंड अप करूं, या कम से कम इसके भी 3 लेक्चर हम अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट करेंगे, और उससे नेक्स्ट में 10 से ऑनवर्ड करेंगे। तब तक बेटा आप इस लेक्चर को अच्छे से प्रिपेयर करें और अपना बहुत ख्याल रखें। मेरे चैनल को बेटा सब्सक्राइब करें, बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।